तैयार है? मैं सबसे पहले मेरे नेता राहुल गांधी जी, कांग्रेस के प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे जी और श्रीनिवास जी और कृष्णा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी है। मुंबई के युवाओं की जो आवाज़ है उसको बुलंद करने का काम हमारा होगा। आज युवा रोजगार से परेशान है, मुंबई सड़क के गड्ढों से परेशान है, बीएमसी में भ्रष्टाचार चरम पर है। मुंबई यूथ कांग्रेस इन मुद्दों को लेकर के अपनी आवाज़ बुलंद करेगी और मुंबई करके लड़ाई लड़ेगी। किसान सिद्दीकी जी को हटाया गया है, उनका भी सवाल है कि जब मैं पार्टी में कार्यरत था फिर भी मुझे क्यों हटाया गया? देखिए, संगठन है और संगठन में बदलाव होते रहते हैं, ये कोई नई चीज़ नहीं है। इसके पहले मैं NSUI का नेशनल सेक्रेटरी था, फिर मुझे मुंबई प्रदेश का जनरल सेक्रेटरी बनाया गया यूथ कांग्रेस का, फिर मैं यूथ कांग्रेस का राष्ट्रीय सचिव बना। तो ये प्रक्रिया है, प्रक्रिया में ये चीज़ें होती रहती हैं, इसके लिए कोई बहुत वो कहने वाली बात नहीं है। अभी आपकी दिल्ली से वापसी हो रही है, क्या कुछ चर्चा हुई है, किस तरह काम करने का निर्णय लिया गया है? क्या बिल्कुल आदरणीय अध्यक्ष जी से बात हुई है, अध्यक्ष जी ने, मैंने अध्यक्ष जी का गाइडेंस और मार्गदर्शन मांगा है। उन्होंने कहा है मुंबई करों की जो आवाज़ है, जो यूथ कांग्रेस करते आई है, अब तक सबसे वाइब्रेंट यूथ कांग्रेस रही है मुंबई की, और हमें वो काम करना है। उन्होंने मुझे निर्देशित किया है कि मुंबई के जो युवा परेशान हैं रोजगार से, उनको नौकरियां नहीं मिल रही हैं, डिग्रियां लेकर के वो घूम रहे हैं, उनकी आवाज़, उनके हक की लड़ाई लड़ना है। वो निर्देश उन्होंने मुझे निर्देशित किया है और मैं वो लड़ाई लड़ूंगा। आदरणीय कृष्णा अलावर सर से भी मुलाकात हुई, उन्होंने भी गाइडेंस दिया है, उन्होंने कहा है कि हमें आने वाले जो लोकसभा चुनाव हैं उनकी तैयारियों में लगना होगा, गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाकर यूथ कांग्रेस को खड़ा करना होगा ताकि हम हमारी जो पेरेंट कांग्रेस बॉडी है उसकी मदद कर सकें। तो आपके अध्यक्ष बनने पर युवाओं में जो जोश और खुशी देखने को मिल रही है कि आपकी माला इतने ज़्यादा है कि आपका चेहरा भी ढक जा रहा है, क्या लगता है? ये सब मेरे भाई हैं और इन भाइयों का मुझे प्यार है। यूथ कांग्रेस एक परिवार है, इसमें कोई पद छोटा बड़ा नहीं है, हम सब भाई हैं। ये सब भाइयों का प्यार है, अपना समय निकाल कर आए हैं, क्योंकि मैं भी इन्हीं के बीच में का एक हूँ, तो स्वाभाविक है जो इनके चेहरे पे खुशी है या मेरी खुशी है वो हमारी सामूहिक खुशी है। थैंक यू।